हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। आज फिर काम की कई खबरें हैं आपके लिए, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस के अपडेट्स के साथ। बीते दिन 3,32,000 टोटल नंबर ऑफ केसेस हमें देखने को मिले हिंदुस्तान की सीमाओं के अंदर, जो कि उसके एक दिन पहले से अधिक है। 3,16,000 वो संख्या थी उसके एक दिन पहले। बात करें स्टेट्स की तो महाराष्ट्र फिर से टॉप किया है 67,000 केस एक दिन में। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश 34,000 केसेस के साथ, दिल्ली है 26,000 केसेस के साथ, केरला है 25,000 केसेस के साथ और कर्नाटक है 24,000 केसेस के साथ। कोरोना वायरस केसेस के साथ हमारा डर बढ़ता जा रहा है, लेकिन डर और इस बात से बढ़ जाता है कि ट्रिपल म्यूटेंट वाला कोरोना वायरस केस भी हमारे हिंदुस्तान में देखा गया है। बंगाल, महाराष्ट्र और न्यू दिल्ली में ट्रिपल म्यूटेंट वाले वायरस भी हमने देखे हैं, पाए हैं। अब ये डबल और ट्रिपल म्यूटेंट होता क्या है? जब कोरोना वायरस के एक से अधिक वेरिएंट्स मिलकर एक नए कोरोना वायरस की उत्पन्नी करते हैं, उसको हम कहते हैं म्यूटेंट। अभी तक दो कोरोना वायरस के वेरिएंट मिलकर डबल म्यूटेंट बना रहे थे कहीं कहीं। इसके पहले हमको देखने को मिले थे बंगाल और महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन अब बंगाल, महाराष्ट्र और न्यू दिल्ली के अंदर हमें ट्रिपल म्यूटेंट देखने को मिले। अब दिक्कत वाली बात यह है कि जो वैक्सीन हमने तैयार की है वो डबल म्यूटेंट और सिंगल म्यूटेंट के लिए कारीगर है, लेकिन ट्रिपल म्यूटेंट के लिए कारीगर है कि नहीं, ये जानकारी अभी तक हमें नहीं है। मैकगिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं इस ट्रिपल म्यूटेंट वायरस के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए हमें और रिसर्च करना होगा, उसमें कुछ समय लगेगा और तब तक के लिए इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, वो भी युद्ध स्तर पे। जीनोम सीक्वेंसिंग भी एक नया शब्द है, ये क्या होता है? जीनोम सीक्वेंसिंग साइंटिस्ट को एक काइंड ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट का। डर का ये एक बड़ा विषय बन चुका है, लेकिन अभी के लिए कोरोना वायरस अधिक फैले ना, इसके लिए आप बचाव लीजिए, क्योंकि ये ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस और तेजी से फैल सकता है। इसमें जो दो वेरिएंट्स हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको चकमा देकर आपको चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जो ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस है ये भी आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का ये दृश्य देखिए, जहां पर कोरोना वायरस से बचने के लिए पुलिस कर्मियों ने एक नया पैंतरा आजमाया है। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हो रहे हैं थानों में, उसके ऊपर पाइपलाइन का इस तरह प्रयोग किया गया है कि प्रेशर कुकर में अगर हम स्टीम बनाते हैं तो 3 लोग एक साथ बैठ के स्टीम ले सकते हैं, भाप को इनहेल कर सकते हैं, ताकि वो कोरोना वायरस से बचे रहें, संक्रमण होने से रुक सके। ये एक नया तरीका है जो कि उस थाने के एसओ ने निकाला है और तेजी से ये तरीका वायरल हो रहा है, लोग अब इसको कॉपी कर रहे हैं इंटरनेट पे। पर क्या ये तरीका कारीगर है? स्टीम हम ले तो रहे हैं घर पे बैठ के, पर क्या वाकई में स्टीम से कोरोना वायरस मरने वाला है अगर वो आपके नाक या मुंह में बैठ चुका है? इसके ऊपर एक फैक्ट चेक हुआ, ना ही WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और US के सेंटर ऑफ डिजीजेस एंड प्रिवेंशन, कहीं से भी अभी तक कोई स्पष्टता नहीं आई है कि आप स्टीम लीजिए उससे कोरोना वायरस रुकेगा। कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि स्टीम लेने से आपके अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं, पर वो कुछ ही केसेस में। पर फिर भी अगर आप स्टीम लेते हैं इनहेलेशन में तो इससे सॉलेन ब्लड वेसल्स, जैम्ड एंड डर्टी नजल कैविटी और म्यूकस भी आपका थिन होता है, जिससे कि फ्लो ऑफ म्यूकस आसान होता है और आपके नाक के लिए और नेजल कैविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। हो सकता है कुछ जर्म्स मर भी जाएं, लेकिन कोरोना वायरस इससे मर जाएगा इसकी अभी तक कोई भी पुष्टिकरण नहीं है, इसलिए आप इस गलत फहमी में ना रहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम तो आपने सुना ही होगा, अब ये भी सुन लीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने अपने स्टेट मध्य प्रदेश में ऐलान किया है एक बैठक में कि अगर कोई भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी करता है तो उसको ऊपर सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगा दिया जाएगा, यानी कि रासुका, देशद्रोह का आरोप। देशद्रोह का आरोप इसलिए क्योंकि 900 और 1400 रुपए में मिल रही रेमडेसिविर की इंजेक्शन 20,000, 30,000, 45,000 रुपए तक में बेची जा रही है कालाबाजारी करके। लोगों को इसकी जरूरत पड़ रही है, जान बचाने के लिए लोग कुछ भी पैसा देने को तैयार हो रहे हैं। कालाबाजारी करके आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है। बैठकों की बात आई तो नरेंद्र मोदी जी भी पीछे नहीं है, बंगाल के विजिट को उन्होंने फिलहाल के लिए कैंसिल किया है और वो बैठकों में जुड़ चुके हैं। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक उन्होंने की और ऑक्सीजन के ऊपर भरपूर चर्चा की। ऑक्सीजन को कहां से और लाया जा सकता है, क्या इसके विकल्प हैं, कैसे हर स्टेट में इसकी भरपूर्ति की जाए, आश्वासन भी उन्होंने दिया कि अब किसी भी स्टेट में आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। ये रही देश के अंदर की बातें, अब कुछ बाहर की बातें भी कर लेते हैं। चाइना ने मदद करने की इच्छा जताई। वेन बिन जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है चाइना में, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ही नहीं, चाइना ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भर की समस्या है कोरोना वायरस और इसको रोकने के लिए चाइना आगे आएगा, देशों की मदद करेगा। उसका इशारा इंडिया की ओर है, पर फिलहाल इंडिया की ओर से किसी भी प्रकार की मदद मांगने की आवाज़ नहीं उठी है। शायद ये लद्दाख पे हुए टेंशन का नतीजा है, क्योंकि पिछले साल लगभग 15 टन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हमने सप्लाई किया था और उधर से 390 टन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सप्लाई हुए थे एक दूसरे की मदद करने की इच्छा। ये है चाइना की बात। SBI का कोई भी लोन अगर आपने 6.7% की श्रेणी
जनवरी में लिया था इंटरेस्ट, तो फिर अब आपको देना है 6.95% 1 अप्रैल 2021 से। SBI के पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं, और चाहे आपका कार लोन हो या हो होम लोन या बिजनेस लोन स्टडी लोन, आपको ये स्लैब में अब डाल दिया जाएगा और इतने पैसे आपको अधिक देने हैं। मानते हैं आपने 50 लाख रुपए का ऋण लिया था, तो आपको लगभग 23 महीने तक एक्स्ट्रा पे करने हैं पैसे, इतने आपकी इंटरेस्ट बढ़ती है। और अगर आप 23 महीने तक एक्स्ट्रा EMI नहीं पे करना चाहते हैं, तो फिर आपको हर महीने 1531 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा अगर 50 लाख रुपए का आपका लोन है। अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो आप चेंज करा सकते हैं, लोन आप शिफ्ट कर लीजिए किसी और बैंक में जहां पर लोन स्लैब कम हो। फिलहाल इससे कम तो आपको मार्केट में मिलना मुश्किल होगा, और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप शिफ्ट भी नहीं कर पाएंगे और 23 महीने वाला टेन्योर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको अधिक प्रीमियम ही भरना पड़ेगा। SBI की ओर से एक अच्छा स्टेप नहीं है, जहां पर कोरोना वायरस और कहीं कहीं लॉकडाउन के चलते लोगों की जीविका पे भी असर जा रहा है, SBI को ख्याल रखना चाहिए। पैसों की बात आई तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक एप्पल की बात करते हैं। स्प्रिंग लोडेड इवेंट हुआ उनका ऑनलाइन, इसकी लॉन्चिंग हुई जिसमें iMac को प्रेजेंट किया गया। एप्पल की कई इंप्लॉयज ने इसको प्रेजेंट किया, उनमें से एक थे नवप्रीत कलोटे। मैं आपको न्यूज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दुनिया भर में इनकी चर्चा हो रही है, उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और ये इंडिया से हैं। ये एक सिख है और लोग इनको अब डैशिंग सिख कह रहे हैं। ये गौरव का विषय है क्योंकि जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स लोग रखना चाहते हैं, वो कंपनी स्टेज पर लॉन्च इवेंट में एक इंडियन को रखना चाहती है, इससे अच्छा क्या होगा। एप्पल की एक और खबर सुनिए, कुछ हैकर्स ने एप्पल के डेटा को हैक कर लिया है और $50 मिलियन का रैंसमवेयर मांग रहे हैं। OEM बेस्ड ताइवान की एक कंपनी क्वांटा सर्वर कंप्यूटर्स को उन्होंने हैक किया है और उसके माध्यम से एप्पल का डेटा इन्होंने चुराया है। वो एक एप्पल की आउटसोर्सिंग कंपनी है। डेटा क्या था? डेटा है इसी स्प्रिंग लोडेड इवेंट में लॉन्च हो रहे एक नए iMac के ब्लूप्रिंट्स, मॉडल डिजाइंस, मैकबुक की फोटोज, जो कि कह रही है ये हैकर्स की टीम कि दूसरे कंप्यूटर्स को दे देगी या जनता में रिलीज कर देगी ताकि आपका सेल्स कम हो, इसलिए $50 मिलियन हमें दे दीजिए। हालांकि अभी तक एप्पल ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है, पर बात तो सच है क्योंकि उन्होंने जो फोटोज पेश की हैं, एप्पल उसको मानती है कि वो उनके ओरिजिनल फोटोज हैं। इनफैक्ट उन फोटोज पे उनका ट्रेडमार्क भी है। लूटपाट के दो अजीब और गरीब केसेस आए हैं, वो आपको बताते हैं। लोग पैसे चुराते हैं, हीरे जवाहरात चुराते हैं, आजकल ऑक्सीजन चोरी हो रहे हैं। दमोह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक कोविड पेशेंट के परिवार वालों ने एक ट्रक को लूट लिया जिस ट्रक में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरे थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कहना है कि रात में ये वारदात हुई और उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी लोगों ने ऐसा किया है। क्या इस बात में सच्चाई है? अगर वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल होती तो लोग ऐसा कदम क्यों उठाते, ये जानते हुए भी कि वो ऑक्सीजन किसी और के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। चोरी की यही वारदात नहीं है, जिंद हॉस्पिटल के एक जर्नल स्टोर रूम से एक थीफ ने एक बैग चुराया। उसने सोचा कि उस बैग में रेमडेसिविर होगा ताकि वो उसको बेच के करोड़पति बन जाए, क्योंकि उसमें 1400 किट्स थी। लेकिन जब वो चोरी करके भाग जाता है तो उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन थी, मतलब कोरोना वायरस की वैक्सीन। तो वो जाता है पुलिस स्टेशन के बाहर, किसी को दे देता है और कहता है जाके पुलिस स्टेशन में, वो खुद भाग जाता है। सॉरी का नोट उसने लिखा कि सॉरी मुझे पता नहीं था ये कोरोना वायरस की वैक्सीन थी। हॉस्पिटल को हालांकि वो वैक्सीन लौटा दी गई, लेकिन देखिए ऐसे मंजर पे भी लोग किस हद तक गिर सकते हैं। फिलहाल के लिए स्टूडियो में इतनी जानकारी। मुझे उम्मीद है डेली डोज का आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जरूर एक थम्स अप दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।